हाँ जी भाई साहब। अरे शिशु, अच्छा हुआ तू आ गया, तेरे से एक काम था मने। बोलो भाई साहब, आप जो भी बताओ। वो यार मैं इससे बात करनी है, अग्नि से बात करनी है। तो क्या है ना, सवेरे गया था मैं उसके साथ गार्डन में टहलने के लिए, और क्या है ना, मेरे मन की बात मैं बाहर ला ना पाया, अंदर ही रह गई। वो उम्र में मैं उसके बाप के बराबर का हूँ, तो इसलिए मेरे से डरता भी। भाई साहब, आपसे तो सारे डरते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी धाकड़ है। तेरे से कोई चूहा भी ना डरे। ना आप तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? अरे आजा मेरे यार, तू बैठ गया। देख सुसु, तू जवान है और तू अग्नि से बेझिझक वो बात कर सकता है। कौन सी बात? अरे तू से गृहस्थ जीवन के फायदे के बारे में बता सकता है। भाई साहब, एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन के फायदे बताने का क्या फायदा, बताओ? मेरा ये बात समझ ना आ रही है। तू भी समझ और उसे भी समझा। तू उसे ऐसा कर, तू उसे ये फूल और भवरे का रिश्ता बता। देख, भवरा अगर फूल पे ना बटेगा तो फूल खिल ही नहीं सकता, और भवरे को भी तो रस की जरूरत पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है। बस वैसे ही तू अग्नि को समझा कि अगर उसके जीवन में रस नहीं होगा तो उसका जीवन रसहीन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अरे जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। आपने कोई जानवरों वाला प्रोग्राम देख लिया? मैंने उसका नाम बताओ, मैं आज रात को इसको डाउनलोड करके सवेरे सवेरे अग्नि को सारा दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अरे उससे फिल्म की कहानी ना सुनानी है शतुरमुर्ग। अरे नहीं मेरे यार, तू उसे ये समझा कि जीवन का जो रस होता है असली, मतलब रसमलाई, रसमलाई वो जब जब देखता है रसमलाई को, उसका मन खाने को करता है कि नहीं करता है? किसका? अग्नि का? हाँ। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरे सामने खाई है उसने रसमलाई। तुझे शर्म ना आई? शर्म की क्या बात है भाई साहब, कहाँ देखा तूने? चुन्नी लाल भाई की दुकान पर अपने हाथी बाजार में, मेरे सामने देखते देखते दो प्लेट चेक कर गया, बहुत बड़ा चटोरा है यो। भोले, इस भाड़ू को इतना भोला कैसे बना दिया? मैं उस रसमलाई की बात ना कर रहा हूँ, उस रसमलाई की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, वो नए मॉडल की गाड़ी जो होती है ना, जैसा अग्नि खुद है, अगर वो गाड़ी लेके आएगा और घर के आंगन में पड़ी रहने देगा तो खड़ी खड़ी वो सड़ नहीं जाएगी, उसको उसको जंग ना लग जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगी। उसे कह दे उसको स्टार्ट कर ले और सड़क पे जड़ चढ़ा ना, ये बात समझा, बड़े सिंपल भाषा में समझा दिया तुझे। अग्नि गाड़ी है, तू एक काम कर, तू तोप ले किया मने उसमें डाल दे और उड़ा दे मने एक बार। रे तुझे कैसे समझाऊं, तेरा भगवान भी ना समझा सकता तुझे। हट ना, मैं अपना नुकसान करा के धर्मपाल भाई साहब और कुसुम जी की मदद करूं, हैं? उसके लिए आपका अपना लक्ष्मण जैसा भाई शिशुपाल काफी नहीं है क्या? तो मुझे भी किचड़ में घसीट रहे हो, एक तो मेरे पुत्तों का हक मार के अपने छोरियों को दुकान में बिठा रहे हो। मेनका, रंभा, उर्वशी, ना ऐसा लग रहा है तीनों आप में ही समा गए हो गरिमा जी। माय गॉड, गरिमा की चेटनी की आवाज कहां से आ रही है? अरे अभी तो नहलाया ना आपने? अरे अभी ना आया हूँ मैं। क्यों? धुली हुई आंखों से तो तुम्हें मैं रंभा उर्वशी मेन का नजर आ रही हूँ ना? तुम्हारी तपस्या तो मैं भंग करूंगी मिस्टर विश्वामित्र, बड़ा आया ब्रह्मचारी। नहीं, अग्नि को गरिमा मैं रंभा मेन का उर्वशी सब नजर आ रही, कैसा ब्रह्मचारी हुआ?
सांवरा अग्नि, काड़ी अग्नि, तो भाई साहब इस ब्रह्मचर्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे जो कभी था ही नहीं। आयो अग्नि तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला है। तो गरिमा तेरी प्यारी भतीजी इस भवरे का फूल बनी फिर रही है। ये तो सारे के सारे झूठों के सेंसर जमा हो रहे हैं यार। वहां वो सुशीला का प्रमोद, यहाँ गरिमा का अग्नि। अब मजा आएगा जब इन दोनों छोरियों का दिल छन करके टूटेगा। फिर तो बेचारी कहाँ ही काम कर पाएंगे दुकान में है। अब टूटता हुआ दिल काम में थोड़ी लगेगा, वो तो डूबते हुए सूरज को देखने में लगेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि उपनयन समारोह में ना उन दोनों छोरियों को एक एक रुमाल गिफ्ट कर देती हूँ। हाँ तो पूछने के काम आएगा। अपने सोने की मुर्गी को अपने हाथों से कुर्बान कर रही हूँ मैं। दुकान मिलनी चाहिए थी पुत्तू को, हर मिल रही है। से वही रोला शुरू ना कर चंचल। आता ही होगा। कब? फंक्शन खत्म होने के बाद? इतनी देर क्यों लगा रहा है? शिशु पंडित जी को पूछिए कहां तक पहुंच गए। मैं फोन ट्राई करता हूं ताऊ जी। हाँ जरा जल्दी। पंडित जी नोट पिकिंग फोन ताऊ जी सॉरी। अरे हाईवे खुल गया, हाईवे खुल गया, प्रोटेस्ट बंद। अब हम सब रोहतक के लिए निकल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तुमने। है ना? ऐसा करते हैं उपनयन की ये शुभ विधि रोहतक चल के घर में ही करते हैं। नहीं पापा, लेकिन अभी ऐसे कैसे निकल सकते हैं? मैं सीधा होके हमें नहीं बता सकते थे, सबके सामने अनाउंस करती है। पापा जी यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो गई है और पंडित जी को भी तो बुला दिया ना आपने। उसमें क्या है पुत्तू, पंडित जी को कैंसिल कर दे, उन्हें कहना ताऊ जी दक्षिणा ऑनलाइन दे देंगे, ठीक है, डिजिटल इंडिया। नहीं लेकिन विधि तो शुरू कर दिया ना, तो विधि को ऐसे कैसे बीच में छोड़कर जा सकते हैं? जहाँ शुरू की है वहीं पे खत्म करनी चाहिए ना पापा जी। हाँ पापा, और रास्ता खुल गया है पर हाईवे पे जाम होगा ना, और अगर हम फंस गए तो पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे और थक भी जाएंगे, तो इधर ही कर लेते हैं ना। और ताऊ जी मैंने तो वो गोड पुत्तू के पेज पे अनाउंस भी कर दिया है, भाई गोड लोग लाइन लगा रहे हैं, भाई गोड नो कैंसिल। हाँ खूब बाण है, समझ रहा हूँ मैं। तू अभी भी विधि के उस पांचवे मर्द के लिए प्रमोद का इंतजार कर रही है ना? सॉरी मैं अब समझा। हाँ पापा वो रिपोर्ट्स लेकर आता ही होगा। रिपोर्ट से क्या होता सुशीला, और हमें क्या लेना देना है उसकी रिपोर्ट में जो भी आए, इफ हमसे उसका कोई रिश्ता ना है। हाँ पापा अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव हुई तो भी,
पापा उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसे अपनी सफाई में एक तो मौका मिलना चाहिए ना। नहीं, इस बहस का कोई पॉइंट ही ना है। अरे उसकी अपनी लाइफ है, हमें उसकी लाइफ से क्या लेना देना। पर पापा बस समझाने से तुम दोनों बहने समझती ना हो। अब सीधा फैसला सुन लो, पैकिंग कर लो सब, अभी के अभी हम रोहतक के लिए निकल रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वेरी वेरी सैड, चेंज ऑफ प्लान, नो सेरेमनी नाउ, व्हेन हाउ, अब तो टाइम भी लोनली टेल, और उस सेरेमनी में प्रमोद ब्रो होंगे या ना होंगे, नो वन नोज, ओनली भगवान नोज। थैंक यू। जिसका डर था ना वही हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गई डॉक्टर रेड्डी की रिपोर्ट। हैंड्स प्रूव्ड पापा। कल क्या रिजल्ट आएगा, और मुझे ये भी पता है कि प्रमोद और सुशीला इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। फिर अंकल, बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं यहाँ रुककर अपनी ऐसी इंसल्ट नहीं कराती, हट जाती प्रमोद और सुशीला के बीच। फिर मैं अपने बच्चे का दिल टूटते हुए कैसे देखूं, जब इसके पापा है तो इसे अपने पापा से दूर कैसे रखूं। बेटा, अगर तुम सच्ची हो तो उसमें घबराने वाली क्या बात, माता रानी सब ठीक कर देंगी। ठीक है, थैंक यू, लेट्स गो। अंकल, आप यहाँ पे सबसे बड़े, और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं सच कह रही हूं मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप प्लीज प्रमोद को कहिए कि वो चुपचाप मेरे साथ चले। ये सच नहीं है सुशीला जी, इट इज नॉट पॉसिबल। धर्मपाल जी, ये झूठ है, ये फॉल्स रिपोर्ट है। अब तो ड्रामे की गुंजाइश ही ना है, अब चुपचाप अपना ये छोटा और सुखी परिवार लेके अपने घर जा। अरे रिपोर्ट गलत है, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। अब पहले आप ये कह रहे थे कि ये रिपोर्ट साबित कर देगी कि ये लड़की गलत है, और अब कह रहे हो कि ये रिपोर्ट ही गलत है ना। ये खेल बहुत हो चुका, हमारा हो गया, पक्ष तो हमें अब। मेरा तो पहले ही आप पे और आपके परिवार पे भरोसा उठ गया था,
पर ये बैर बुद्धि जो है ना, इसके दिल में अभी भी उम्मीद है। ना अपने बाप पे ना सही, विज्ञान पे तो भरोसा कर, ना किसी का किए गया सुशीला, तेरा ही दिल दुख रहा है। प्लीज ट्रस्ट मी, देयर इज अ मिस्टेक। आई एम श्योर या तो सैंपल एक्सचेंज हो गए, या फिर कोई टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर कोई क्लेरिकल एरर है। दिस इज फेक, दिस इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपका इस परिवार से नाता तोड़ने का वक्त यही है। अब यहां किसी और तमाशे की गुंजाइश ही ना है। डॉक्टर साहब, सिसु, डॉक्टर साहब को बाहर का रास्ता दिखा दो। डॉक्टर साहब, बाहर का रास्ता तो पता ही होगा। चलो पापा, लेट्स गो, लेट्स गो। पर पापा, एक चांस। इस छोटा हड्डी को मैंने बहुत चांस दिया अब तक, और सब तुम लोगों की बातें सुनता आ रहा हूं, लेकिन अब बस, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मैंने सब सोचा था प्रमोद, लेकिन तुम इतने गए गुजरे निकलोगे ना, ये ना सोचा था। कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखना कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो, हैरी के डैड। तू बीच में ना बोल, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मेरा और प्रमोद का हिसाब किताब अभी तक फिनिश ना हुआ है। अगर तुम अपने ये अफेयर्स खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते ना प्रमोद, तो आज ये नौबत ना आती। पूरा का पूरा परिवार खड़ा है यहाँ, ना खुद का भी जुलूस निकाला, ऊपर से मेरा भी। मन तो कर रहा है तुम्हें कोने में ना मुर्गा बना दूं। सुशीला जी, वो तो ये चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं बोलोगे तुम, तुम्हें जो भी बोलना था ना तुमने बोल दिया है। छोटा अड्डी ना पेटर्निटी टेस्ट करवा लेते, फिर पता चल जाएगा। और टेस्ट आने के बाद ना वो क्लर्क ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी है ना, हद हो गई है अब ना। दुनिया के सारे क्लर्क तुम्हारे पीछे पड़े हुए। अंकल आंटी प्लीज अपनी बेटी को समझाइए, ये ऐसे शाउट करने से फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाएंगे। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, सब सामने है। चुप रहोगी तुम? सुशीला बेटा, जो हो गया सो हो गया ना। प्रमोद की चीटिंग दिखाई दे रही है सबको, लेकिन उसकी रियलिटी ना दिखाई दे रही है। जो मजा अपने आंगन में बैठ के चाय पीने में, उसके आगे बड़े बड़े फाइव स्टार होटल और रिसोर्ट फेल है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप धर्मपाल जी, है 100% सही। मैं घर में घुसते ही ना भाई गोड़ एकदम इमोशनल वाला फील आ गया। तुम ज्यादा इमोशनल मत हो, चुपचाप चाय पियो। ओके गरीब जी। ना ऐसी उम्र में छोरे मौके का फायदा उठाते हैं, और ये गरिमा से दूर दूर भाग रहा है। जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा कि इसका ब्रह्मचर्य टूट भी सकता है कि नहीं। आप कल 3 बजे उपनयन समारोह होगा, सारी तैयारियां समय रहते ही कर लेना। आखिरी मिनट में मुझे दौड़ भागना चाहिए। पापा, मेरे से तो कल शाम तक का वेट ही ना हो रहा है। हाथी बाजार दुकान की बहुत याद आ रही है, एक बार दुकान चल के देख के आते हैं ना। याद तो मने भी बहुत आ रही है बेटा,
पर जहाँ इतना सबर कर लिया वहां थोड़ा और सही। उपनयन के बाद तीनों साथ में चलते हैं ना मिलके। लेकिन भाई साहब उपनयन समारोह तो तब होगा ना जब वो पांचवा बंदा मिल जाएगा जो इन दोनों से अपने बाल कटवाएगा। चुन्नी और अवतार भाई साहब को बोल देते हैं ना, है? उनको भी पता लग जाएगा कि आपने गरिमा और सुशीला को नाई बनने की इजाजत दे दी है। और हो सकता है कि जब आप भारतीय बाजार जाओ तो आपके स्वागत की तैयारियां करके बैठे हो सब लोग, है ना? नहीं, अवतार तो किसी काम के लिए दिल्ली चला गया और चुन्नी या फिर हाथी बाजार के किसी भी बंदे को बुलाना उपनयन में मने ठीक ना लग रहा है। पर इसमें गलत के पापा, जो कल पता चल रहा है वो आज पता चल जाएगा, मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ना बेटा, मैं छुपाना रहा हूँ, पर जिस समस्या का हल सुई से निकल सकता है वहाँ पर मैं तलवार ना निकालना चाहता। पहले हम अपनी पूजा अर्चना निर्विघ्न खत्म करते हैं, फिर बुलाते हैं हाथी बाजार वालों को, बिठाते हैं और चाय समोसे के साथ अपना फैसला सुना देते। बाकी रही वो पांचवे बंदे की बात, वो पुत्तू अपने किसी दोस्त को ले आएगा। No, ताऊजी, I'm very, very sorry, literally sorry. ताऊजी, अगर मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल करूंगा तो पूरी की पूरी पलटन एंग्री हो जाएगी। भाई गॉड, आप एक काम करो पापा, आप अपने फ्रेंड को कॉल कर लो ना। मेरा फ्रेंड तो तू ही है। ना चाहे जो हो जाए, पांचवा इंसान तो छोटा हड्डी होगा। कल पूजा से पहले उसे इनोसेंट प्रूफ करना ही पड़ेगा। ना कैसे प्रूफ करेगी, इब तो पेटर्निटी टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। पापा मैं कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ। सुन, जिंदगी का नियम है बेटा, नाव को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू को पीछे चलाना पड़ता है। दिमाग पर ज्यादा जोर न डालिए ना, मरी हुई भैंस की पूछ पकड़ के क्या होगा? आने वाले कल की सोच, आने वाले कल की। पापा बस, मुझे और जीरा ना करनी है और उसका तो नाम भी ना सुनना मुझे इस घर में। पर पापा आप एक बार, और ये बात सब पर लागू होती है, सबके लिए अलग अलग फरमान ना जारी करूंगा मैं। क्या हो गया, सुशीला के बारे में सोच रहे हो? अरे लड़ा को छोरी है मेरी, मैं उसे समझा लूंगी, जख्म अभी ताजा है ना। तो हाथी बाजार वालों के बारे में सोच रहे हो? अपनी छोरियों के बारे में सोच रहा हूँ कसम, सही तो कह रही है वो। एक तरफ सुशीला का दिल दुखी है और दूसरी तरफ हाथी बाजार। ना जो बात समझने में मन इतना वक्त लग गया, हाथी बाजार वालों को कैसे समझाऊंगा? कल जो होगा इसका फैसला हाथी बाजार वाले ना करेंगे, कल जो होगा इसका फैसला इस बात से होगा कि जो हाथी बाजार वाले करेंगे उसके जवाब में आप क्या करेंगे। जब आपने ठान ली है तो किंतु परंतु की क्या ही जगह है। अरे जब आप अपनी छोरियों के साथ खड़े हो तो हाथी बाजार वाले क्या, इस दुनिया में कोई उनका बाल विवाह ना कर सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.